हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अब विदाई हो रही है और विदाई का आलम तो जानते हैं कैसा होता है। काफ़ी मुश्किल वाला होता है। ये मुझसे भी मिल रही है दुल्हन, मामू की बेटी। क्या कर सकते यार, दिल तो भर आता है पर समझाना पड़ता है ना। से तो विदाई देखी नहीं जाती, इतनी मुश्किल ये घड़ी होती है। और ये मेरे मामू हैं, मामू से भी मिलेगी। ये पल ऐसा होता है। और ये मेरे दूसरे मामू हैं, उनका बेटा है। और अभी दुल्हन विदा हो गई है तो चाय मैंने बनाया था तो सबको दे रही हूँ। मामू का घर है ना तो हेल्प करना तो बनता है। तो सभी चाय पी लेंगे और साथ में मैं भी पी लूँगी। और ये हम चौथी लेने जा रहे हैं, मतलब दुल्हन को लेने जा रहे हैं। तो ये रेहान का लुक है। अभी हुसैन का लुक देखिए। और ये जैनब का लुक, पूरा लुक है। और ये रही मैं। ये तो शायद आपने देखा हो पर मैंने कहा अपना भी ले लेती हूँ। क्या है, हम औरतों का तो चल जाता है ना, बच्चों का स्पेशल होना चाहिए। बस अपनी तो ऐसे ही जिंदगी चलती है। तो अब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी में बैठने। और ये मामू का बेटा है, छोटे मामू का, इसकी शादी हो गई है। और हम लोग जा रहे हैं दुल्हन को लेने। और शोर आएगा इस, तो प्लीज माफ करना क्योंकि बहुत ही रोड, बिल्कुल जस्ट रोड के सामने है मेरा मकान ना, तो गाड़ियां निकलती हैं तो आ जाती हैं आवाज वगैरह। क्या करूं, अभी थोड़ी दिक्कत है पर आप सबका ऐसा ही प्यार बना रहा तो कोई मुश्किल नहीं है। और हम लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं। ये मामू की बहू है बीच वाली। और ये रही मैं। और यहाँ गाड़ी हमारी चल रही है, कुछ देर में हम पहुंचने वाले हैं तो आपको बताएंगे। सभी मेहमान बैठे हुए हैं और नाश्ता हो रहा है। नाश्ते में तो बहुत कुछ था पर मैंने सूट नहीं किया है। यहाँ दुल्हन बैठी है, फोटो शूट हो रहा था ना। खुदा हाफिज गाइस।